टू टेल यू ऑनेस्टली मालिका, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बिजनेस भी हो जाएगा। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द डील विद मिस्टर मुखर्जी। मैं खुशी को बताऊंगा ना तो उसका रिएक्शन तो देखने लायक होगा। शी वोंट बिलीव इट। खुशी का रिएक्शन तो तुम देखते ही रह जाओगे। मतलब? मतलब यू आर राइट, शी वोंट बिलीव इट ओनली। थैंक्स मालिका। भाई अब मैंने क्या कर दिया, ये डील तो तुमने खुद हासिल की है। मैं डील के लिए थैंक्स नहीं कह रहा हूं, मैं खंडाला लाने के लिए थैंक्स कह रहा हूं। इट वाज अ लवली ब्रेक। अच्छा, मुझ पर हुए कातिलाना हमले को तुम लवली ब्रेक मानते हो? दैट वाज बैड। बट यू नो मालिका, तुम्हें प्रोटेक्शन के साथ बाहर जाना चाहिए। थैंक गॉड तुमने ये नहीं कहा। मालिका तुम्हें घूमना ही नहीं चाहिए। यहाँ कहीं गाड़ी रोको ना, कुछ खाते पीते हैं। अरे नहीं नहीं, अब कुछ खाएंगे पियेंगे तो मुंबई पहुँच कर। तुम्हें मुंबई पहुँचने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम गाड़ी रोकने का नाम ही लेती हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द खुशी के पास पहुँचो। तुमने जवाब नहीं दिया, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मेरा तो नहीं, मगर तुम्हारा इंतजार तो कर रहा है ना। कौन? खुशी। वैसे विशाल, पोजेसिव वाइफ होने के फायदे भी है नुकसान भी। वो जितना अपने पति से प्यार करती है उतना ही उसके दोस्तों से नफरत करती है, जैसे कि खुशी मुझसे। कम ऑन मालिका। जस्ट जोकिंग विशाल। सिर्फ अपनी कंपनी का नाम ही नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट्स के नाम भी शीदत ने हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउथ में हमारा हेल्डिंग्स प्रोटीनिक्स है जो लीडिंग ब्रांड है, और अब SMK इनकॉर्पोरेट ने प्रोटीन एक्स के नाम से हेल्डिंग्स निकाला है, जिसकी पैकिंग भी हमारी पैकिंग से मिलती जुलती है। और इसको लेकर हमारे कस्टमर भी काफी कंफ्यूज हैं, और हमारे डीलर्स भी। हेलो हेलो संजना, खुशी तुम्हारे साथ है? नहीं मम्मा, खुशी यहाँ पर नहीं है। सॉरी, आप डीलर्स के बारे में क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि इसको लेकर हमारे डीलर्स काफी अपसेट हैं। मैम, नॉर्थ इंडिया का भी यही हाल है। SMK इनकॉर्पोरेट की वजह से मार्केट में अजीब कंफ्यूजन पैदा हो गया। SMK, SSK, लोग इनमें बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऊपर से सर, SMK वालों ने मार्केट में अंडरकटिंग करके हमारे रिटेलर्स को अपनी तरफ खींचने का जो प्लान बनाया है उसका तो कहना ही क्या। हमें उन्हें हर हाल में रोकना होगा, वरना हमारी कंपनी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। घर से है? हाँ मम्मा बोलिए। हेलो संजना, खुशी ने बताया कि वो कहाँ जा रही है और कब तक आएगी? मम्मा प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, खुशी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। आप बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब कर रही है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, रखती हूँ। बात क्या है? मामा का फोन है, वो बार बार खुशी के बारे में पूछ रही है। एनीवेज, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम लोग SMK इनकॉर्पोरेट को कैसे रोक सकते हैं। हाँ तो मिस्टर रामास्वामी, मौजूदा हालात आपके सामने, अब आप बताइए कि SMK इनकॉर्पोरेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए? आपने क्या स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा? सर, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं सोचा सर। क्यों नहीं सोचा? मैं पूछता हूं, सोचा क्यों नहीं अब तक? आप लोग हमें समझते क्या है? एक कंप्लेंट बॉक्स, जो आप यहां पर आते हैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं और सोचते हैं कि काम पूरा हो गया। देखिए ऐसा नहीं है। We rely upon you for solutions. अगर हमारी कंपनी में कोई बाधा है, कोई परेशानी है, तो उसे ढूंढना आप लोगों का काम है। आप लोगों का काम है या नहीं? सर, यस सर। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ क्या हो रहा है सर? सॉरी, घर से फोन है। हाँ मामा बताइए। संजना बेटा, मैं रक्षा चाची बोल रही हूँ। ओ रक्षा चाची, कहिए ना क्या बात है? देखो बेटा, खुशी कई घंटों से लापता है। हमें बहुत फिक्र हो रही है। क्या कहूँ उनसे? बाद में फोन करें प्लीज। मगर
आखिर रक्षा चाची इसमें फिक्र करने वाली बात क्या है? बेटा अगर फिक्र की कोई बात नहीं होती तो हम लोग तुम्हें परेशान क्यों करते? देखो संजना, तुम कुछ करो। अगर ये बात हम तुमसे नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे? खुशी बहुत परेशान दिख रही थी, कहीं ऐसा ना हो कोई गलत कदम उठा ले। नहीं नहीं प्लीज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। I'm very sorry but we have to postpone this meeting for later. Something very urgent has come up. What, Sanjana? Kabir, please. There's an emergency. Okay. Okay, gentlemen. जब तक हमारी नेक्स्ट मीटिंग होती है मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। सर, थैंक यू। हुआ? कभी खुशी गायब है। गायब मतलब? कभी वो घर पर नहीं है। रक्षा चाची कह रही थी कि उन्हें पता नहीं वो कहाँ पर चली गई है। मुझे लगता है कि शायद खुशी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। कभी Let's go, कभी। क्या? काफी देर हो गई क्या? हाँ, और खुशी को कहीं कुछ पता नहीं चला। चाची, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे? पता नहीं बेटा क्यों, लेकिन मुझे रह रहे कर ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन चाची, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि? क्या हुआ? खुशी का कुछ पता चला? उसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा। चाची, जब खुशी यहाँ से गई तो क्या टाइम हो रहा था? करीब 12:30 थे। हाँ, 12:30? 12:30 मतलब चाची बच्चों को स्कूल लेके गई होगी, उनका रिहर्सल था आज एनुअल डे का। लेकिन अब तक तो लौटना चाहिए ना उसे, रिहर्सल तो 2 घंटे की थी। मैं काम करता हूँ, मैं स्कूल जाकर पता कर लेता हूँ। ओके। मालिका बोलो। क्या बात? तुम्हारी आवाज काफी अपसेट सुनाई दे रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई खास काम था? हाँ, वो स्टीवेंसन एंड कंपनी के बारे में बात करनी थी तुमसे। मगर कोई बात नहीं, इस वक्त तुम अपसेट हो, मैं फिर कभी बात करूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी परेशानी थी। क्या परेशानी है मुझे नहीं बताओगे? अरे, खुशी बच्चों को लेके घर से पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ? पता नहीं कहाँ चली। विशाल, तुम घबराओ नहीं, खुशी यहीं कहीं गई होगी। आ जाए, मैं तुम्हें बाद में। हाँ, खुशी लौट आए तो मुझे फोन करके जरूर बता देना। बाय। अगर खुशी लौट आए तो खुशी क्लब की फ्रेंड्स को फोन करके देखो, शायद उनके घर पे। लेकिन विशाल, खुशी क्लब ही कहाँ जाती है? और वैसे भी क्लब में तो सिर्फ गिने चुने दोस्त हैं ना। फोन करके पता करने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, ठीक है, मैं फोन करती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये मुस्कुराहट किस खुशी में? खुशी के घर छोड़ जाने की खुशी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो ही गई थी, खुशी विशाल को छोड़कर चली गई। वाह, दिस डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। इस बात पर तो जश्न मनाना चाहिए, है ना? नहीं दीदी, अभी नहीं। अधूरे जश्न का क्या मजा? एक बार मेरा पतला पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप देखिए इन खानदान की बर्बादी का मैं कितना शानदार जश्न मनाती। खुशी भाभी का तो मुझे कुछ पता नहीं चला, और श्वेता और साक्षी तो आज स्कूल पहुंची है। क्या? हाँ विशाल, और स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी बहुत अपसेट। उनका यह कहना है कि इस तरह लीव एप्लीकेशन अप्लाई किए बगैर बच्चों की स्कूल से छुट्टी करवाना रूल्स के खिलाफ है। तो खुशी श्वेता और साक्षी को लेके आखिर गई कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है, वो कल रात से परेशान है। कल रात से? हाँ, रात को बाहर जाने से पहले। कल रात जाने से पहले? मतलब कल रात को भी वो बाहर गई थी? हाँ हाँ, कहाँ?
पता नहीं, नीलम भाभी ने उससे पूछा भी लेकिन उसने ठीक से जवाब नहीं दिया और निकल गई। चाची क्या हो रहा है, इतनी रात को खुशी अकेली बाहर गई, उसके बावजूद किसी को बताया नहीं। विशाल आज ही मुझे पता है खुशी भाभी कहां पर गई है। कहां? खंडाला। खंडाला? लेकिन ये तुम कैसे जानते हो? ये देखो, ये मुझे खुशी भाभी की गाड़ी से मिला। जब मैं बच्चों को ढूंढने के लिए स्कूल गया था तब मैं खुशी भाभी की गाड़ी लेकर गया था। क्या है ये? ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की टोल टैक्स रिसीप्ट है और इस पर कल रात का वक्त लिखा है। लेकिन खुशी खंडाला क्यों गई थी? क्योंकि तुम वहां थे और मल्लिका भी। तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि खुशी तुम्हारे और मल्लिका के बारे में क्या सोचती है। वो तुम दोनों पर नजर रखने गई होगी वहां पे। संजना बकवास बंद करो, तुम कहना चाहती हो मैं और मल्लिका? अरे होश में रह के बात करो। अरे होश तो तुम खो बैठे हो विशाल। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। मुझे तो सिर्फ खुशी की फिक्र हो रही है। खुशी की फिक्र तुमको मुझसे ज्यादा है? हाँ है, क्योंकि अगर तुम्हें फिक्र होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। संजना बहुत। जस्ट स्टॉप इट विशाल, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती हूँ। बेहतर यही होगा खुशी को ढूंढे बस। चाची आप लोग प्लीज बताइए ना खुशी कहाँ गई है। अरे आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कल रात को जाते वक्त खुशी ने आप लोगों के साथ ही बात की थी ना? हाँ, जाते वक्त आखिरी बार वो हम लोगों से ही मिली थी। आखिरी बार? आप लोगों की बात सुन के मेरा शक यकीन में बदल रहा है। शक? चाची किस बात का शक? चाची प्लीज बताइए ना, चाची किस बात का शक है आपको? चाची प्लीज। मुझे लगता है कि खुशी ने आत्महत्या कर ली है। चाची आप कुछ भी बोलने लगे। शीतल भाभी ठीक कह रही है विशाल, अब मुझे सब साफ दिख रहा है। खुशी की हुई बात का मतलब अब मेरी समझ में आ रहा है। उस दिन मंदिर में भी वो क्या सोच रही हो बेटी? अरे खुशी तू आ गई। रक्षा ने बताया नीलम भाभी की मम्मी के साथ क्या हुआ? क्या? हार्ट अटैक, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बच जाएगी। अगर दिल का दौरा पड़ा तो इंसान बच जाता है, लेकिन अगर उसका दिल टूट जाए तो वो कभी नहीं बच पाता। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे दिल के दौरे से इंसान मर भी सकता है। हाँ, लेकिन मरकर उसे आजादी तो मिल सकती है। उसे अपने गमों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। खुशी की हुई हर बात का मतलब उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि कौन सा दुख उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। क्योंकि जाते वक्त भी उसने खुशी, अरे खुशी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? भाभी हम लोग उसका दुख समझ नहीं पा रहे।
मुझे भी खुशी भाभी ने जो कहा वो कोई लौट कर वापस नहीं आ रहा। क्या मतलब? हम वहां जा रहे हैं जहां से लौट कर कोई नहीं। मुझको क्या पता था कि खुशी भाभी पर। तुम पागल हो गई हो नताशा, दोबारा ऐसी बात भी मत करना। छोड़ो उसे, उसके ना कहने से तुम सच्चाई नहीं बता सकते हो विशाल। जो कुछ हो रहा है ना उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अगर खुशी घर छोड़ के गई है तो तुम्हारी वजह से, समझे तुम? तुमने मेरे दोस्त की जिंदगी तबाह कर दी, तुमने उसके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली, उसकी लाइफ तुमने खत्म कर दी। क्या कर रही हो तुम संजना? संभालो अपने आप को, होश में आओ। अगर खुशी को कुछ हो गया, I will not leave you, I promise you. Stop it, let's just stop it. नहीं, इसके गुनाह की सजा मेरे दोस्त क्यों भुगते? अरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और मेरे और मलिका के बीच में कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे और मलिका के बीच में कुछ नहीं है, तो तुम उसके साथ खंडाला क्यों कहते हैं? और अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, तो खुशी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जवाब दो मेरा। कुछ तो वजह होगी ना विशाल, जो खुशी ने ये कदम उठाया, वो पागल नहीं थी। भाभी, इस वक्त खुशी को ढूंढने का सोची, ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सारा शहर ढूंढ लिया, फिर भी वो कहीं नहीं मिली। दोस्तों दोस्त, हम लोगों ने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पुलिस। पागल हो गए हो? खानदान का तमाशा बनाओगे? अरे क्या हो गया है आप लोगों को? हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि खुशी कोई गलत कदम उठा ले जिसका हम सबको डर है। संजना ठीक कह रही है भाभी, हम ये कदम फौरन उठाएंगे तो होने वाले अनर्थ को टाल सकते हैं, वरना हाँ कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? हाँ 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 ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। नो यू डोंट वरी, हम लोग खुशी को ढूंढ लेंगे। ओके ओके ओके, पुलिस पुलिस बिना रिपोर्ट दर्ज की हमारी मदद करेगी, कोई स्कैंडल नहीं होगा, मैं हूं ना। बिना स्कैंडल के केस सॉल्व करना ही तो हम जासूसों का काम है। यू डोंट वरी सर। नहीं नहीं, हम खुशी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाय। कहां जा सकती है ये खुशी? हो क्या रहा है किल? बिजनेस में लफड़ा, पर्सनल लाइफ में लफड़ा, सब एक साथ, ये सब इत्तेफाक है या क्या? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मुझसे? क्या हुआ मेरे को? आखिर कुछ तो बताओ कि हुआ क्या? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त की मुश्किलों से छुटकारा दिलाना चाहती थी, मगर कौन सी दोस्त और किस बात से छुटकारा दिलाने की बात कर रही हो तुम? खुशी, मैं इस दुनिया में नहीं रहना। क्या?